दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिपचिपा पानी को लेकर के, क्योंकि इस पर बहुत सारे कमेंट हैं और बहुत सारे लोग इससे परेशान भी हैं। क्योंकि हम जब भी वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो हमें जो कमेंट मिलता है, क्योंकि हम कमेंट सबके पढ़ते हैं और जिसका जवाब देने वाला तो उसका जवाब दिया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हो रही है जकावते हिप्स को लेकर, यानी चिपचिपा पानी का गिर जाना, जिसको हम लोग जकावते हिप्स भी बोलते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं अपने अपने भाषा में। लेकिन जो बात है, यानी चिपचिपा पानी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि चिपचिपा पानी पहले है क्या। पहले आप ये समझ लीजिए कि चिपचिपा पानी क्या है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आपको समझाते नहीं, बताते नहीं, और डायरेक्ट बताए और उसका बता दिया, आप यूज कर लिए, किसी को फायदा हुआ, किसी को नहीं हुआ, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि चिपचिपा पानी है क्या। तो दोस्तों, हमारी जो बीर होती है या हम जब सेक्स करते हैं, जो हमारी मनी निकलती है, तो मनी सिंगल नहीं होती है, ठीक है। हम आपको पहले बता दें चीज, आप भी समझ लो, शायद किसी को नहीं मालूम होगा। हमारी जो मनी होती है, ये तीन तरीके की होती है, ठीक है। एक पहला होता है मजी। मजी वो चीज है जब हम किसी के साथ सोहबत करने से पहले, जब उसके साथ एंजॉय करते हैं, खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस टाइम पे मजे निकलता है, जिसको लोग चिपचिपा पानी कहते हैं। या हम वो चीज की कभी कोई चीज सेक्सुअली बात करते हैं या कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसके अंदर हमारा तनाव आता है या हम उत्तेजित होते हैं, तो उस टाइम पे भी पानी निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया चिपचिपा पानी का निकलना। तो ये हो गई मजी की बात, मजी यानी एंजॉयमेंट, ठीक है। तो ये जो है इसी के लिए निकलता है, और ये साबित करता है कि आपके अंदर एंजॉयमेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो आप इसके बारे में समझिए कि मजी क्या है। अब दूसरी बात करते हैं मनी। तो मजी के बाद जो दूसरा निकलता है वो होता है मनी। अब मनी क्या काम करता है ये भी आपको नहीं पता होगा। तो मनी आपकी जो वीर की नलकाएं होती हैं, ठीक है, ये भी वीर से ही निकलता है। लेकिन जो आपकी वीर की नलकाएं होती है, जिसके अंदर रूखापन होता है, और आपकी जो वीर होती है, जो आप सेक्स करने के बाद में जब आप खारिज होते हैं, जो आपकी मनी वो जो वीर निकलता है, तो उसके अंदर ये मिलने के बाद में उसके अंदर फोर्स पैदा करता है और वो स्पीड से लाके बाहर फेंकता है, ठीक है। यानी आपकी जो नलकाएं होती है उसको रिपेयर करता है। रिपेयर करने के बाद में आप जब आपका संभोग टाइम खत्म होता है और जब आप खारिज होने वाले होते हैं, यानी आपका जब मामला निकलने वाला होता है, तो उस टाइम पे ये उसके साथ में मिलने के बाद में आपकी जो वीर निकलती है उसको फोर्स से निकलता है और अंदर को डालता है, ठीक है। तो ये तीन चीज निकलती है। अब तीन चीज निकलना तो जरूरी है, क्योंकि अगर ये निकलेंगे नहीं तो मामला होएगा नहीं। लेकिन अगर ये तीन चीज में से अगर ये एक चीज, जिसको हम लोग चिपचिपा पानी कहते हैं, अगर ये ज्यादा निकलता है तो ये बीमारी में शुमार होता है। ज्यादा से मतलब ये है कि, जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीबी से सोहबत करने जा रहे हो, उससे पहले खेल रहे हैं, अगर ये उस टाइम पर निकलता है तो कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि ये आपकी जो नलका होती है उसको रूबरू करता है और ये आपको जिज्ञासा देता है, और इसी के साथ साथ आपके अंदर सेक्स की जो तनाव होती है ये उभरता है, यानी आपके अंदर सेक्स पैदा होता है। ये निकलता तभी होता है, ठीक है। लेकिन जब ये ज्यादा निकलता, हद से ज्यादा, ऐसे कोई फोन पे बात कर रहा है, कुछ ही देख रहा है, जब एक मिनट भी किसी से बात कर लिया, कुछ ही देख लिया, तो फटाक से चिपचिपा पानी एक बूंद चू जाता है, तो ये यहाँ पे बीमारी है, ठीक है। दूसरी बात, आपकी जो नलिकाओं का जो रूखापन होता है और जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये क्लियर करता है। लेकिन उसके साथ साथ जब आप संभोग करते हैं, जो यौन होती है, यौन के अंदर यही मजी जो है जाने के बाद में उसको गीला करती है, यानी वो जो रास्ता होता है उसको एक ग्रीस का काम करती है। जब आप सेक्स करते हैं तो आपके अंदर खरासपन नहीं पैदा होता, ना सामने वाले के अंदर खरासपन पैदा होता है। यानी आप जब सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, तो आप आराम से कर लेते हैं और इसमें आपको इंजॉय मिलता है, कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये दो चीज जो होते हैं, ये आपके नलिकाएं रिपेयर करती है, और सामने वाले के जो यौन होती है, यौन के अंदर अगर रूखापन होता है या बहुत से ऐसे होते हैं जिसके अंदर सूखापन होता है, तो बहुत से लोग कोई तेल यूज करता है, कोई कुछ करता है, तो मैं ये बोल, बहुत से लोग कुछ भी यूज करते हैं, तो उसके बारे में भी नहीं बात कर रहा हूं। लेकिन उन नलिकाओं को और उन यौन के अंदर रास्ताओं को जिसके अंदर रूखापन होता है, तो यही दो चीज, मनी और मजी, ये उसी को रत्तोबत करती हैं, उसको गीला करती हैं। ये दोनों चीज ग्रीस का काम करती हैं। फिर जब आप सेक्स करते हैं, उसके बाद जब आपका वीर निकलता है, तो उसके मजी के मनी के साथ में वीर आपका मिलता है और फिर वो फोर्सेबल होता है, यानी वो अपने स्पीड में लाके बाहर फेंकता है, तो वो बच्चेदानी में गिरता है। फिर ऐसे ऐसा मतलब जो है आपको बता रहा हूं, ठीक है, वो बच्चेदानी में आके गिरता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि चिपचिपा पानी अगर गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। ये भी एक खुद में सवाल है कि चिपचिपा पानी गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। तो चिपचिपा पानी का गिरने का जो मेन रीजन है वो है पेट। अगर हम उल्टी सीधी चीज खाते हैं, मसाले वाली गर्म चीज खाते हैं, और हमारे पेट का निजाम बिल्कुल गड़बड़ है, संडास खुल के नहीं हो रहा है, गैस हमेशा रहता है, एसिडिटी पेट में, गले में जलन, सीने पे जलन, तो इसके वजह से जब ये पेट में जब लगातार गर्मी रहती, तो वो गर्मी हमारे मसाने पे आ जाती है, और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो मसाने के नीचे होती है। तो जब मसाने के ऊपर गर्मी उतरती है, तो ऑटोमेटिक हमारी जो जो झिलकाएं होती है, जो नलकाएं होती है, जब उस पर गर्मी का प्रेशर पड़ता है, तो ये हमारा जो मजी का प्रॉब्लम्स है, जो चिपचिपा पानी का प्रॉब्लम्स है, ये क्रिएट हो जाता है।
तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं और इसी के बारे में आपको नुस्खा बताएंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि ये बहुत से लोग नहीं समझाते आपको, वो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको इसका ट्रीटमेंट किस तरह करना है, इसमें मैं आपको दो ट्रीटमेंट बताता हूँ, एक आप घर पे बना सकते हो और एक आप रेडीमेड मंगा सकते हो, ठीक है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है चिपचिपा पानी का, देखो दो मजी और मनी और धात, अगर मजी को छोड़ के मनी और धात दोनों चीज अगर सही सलामत है, सही टाइम पे निकल रहा है तो भी सही है, और अगर वो भी सही टाइम से नहीं निकल रहा है तो वो भी गड़बड़ है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और होती है कि जिसकी मजी ज्यादा गिरती है तो उनकी ऑटोमेटिक रुकावट कम हो जाती है, यानी उनकी जो सेक्स टाइमिंग होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो गर्माश उतर जाता है और बहुत सारे कारण हो जाते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि जो मैं आपको मेडिसिन बना रहा हूँ कि अगर आपकी टाइमिंग नहीं है, आपकी मजी गिरती है, आपकी रुकावट बिल्कुल नहीं है, आप किसी चीज को देखते या किसी से बात करते आपका टपाक से गिर जाता, तो आज इसी के बारे में आपको मैं नुस्खा बताऊंगा जो कि 100% सक्सेसफुल है और आप इसको आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको कतीरा गोंद आता है मार्केट में, वो आपको लेना होगा 100 ग्राम, और सफेद मुसली आपको लेना होगा 100 ग्राम, और मिश्री आपको लेना होगा 100 ग्राम। इन तीनों चीजों को लेना है, तीनों चीजों को लेने के बाद में आपको पाउडर कर लेना है, पाउडर करने के बाद में एक एक चम्मच सुबह शाम खाली पेट दूध या पानी से, ठीक है। ये आपको रेगुलर यूज करना है कम से कम 1 से 2 महीने तक, और इस दरमियान आपको सेक्स नहीं करना है, आपको परहेज करना है और गर्म चीजें बिल्कुल नहीं खानी, ठीक है। तो आप इस तीनों चीजों को लाके बना के यूज कर सकते हो, इससे भी आप अपना जो प्रॉब्लम है ठीक कर सकते हो, चिपचिपा पानी का, टाइमिंग का, या नाइट फाइल का, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है, जितने भी प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएंगे। अब दूसरी बात, जो लोग नहीं बना सकते और जो रेडीमेड मेडिसिन परचेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए ये नुस्खा जो रेडीमेड परचेस कर सकते, तो उनको लेना होगा रेक्स का माजून और थ्रुमा, कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। दूसरा आइटम लेगा होगा माजून मुगलिस जवाहर, ये भी रेक्स का लेना है, ये दोनों डिब्बे उनको परचेस करना है। अब साथ में उनको एक चीज और लेना है, जवारिस कमुनी रेक्स की, यानी ये तीनों चीज आपको रेक्स का लेना है, माजुनाथ खुरमा, माजुन मुगली जवाहरी और जवारिस कमुनी, ठीक है। ये तीनों चीज आपको परचेस करना है, ये तीनों चीज आपको आयुर्वेदिक की दुकान जहां पे यूनानी मेडिसिन मिलती है, जहां पे रेक्स हमदर तिब्या जो भी है यूनानी मेडिसिन में आता है, तो वहां पे तीनों चीज मिलेगी, आपको वहां से परचेस करना है। मैंने जो आपको इससे पिछले जो नुस्खा बताया, ये भी आपको आयुर्वेदिक की दुकान भी मिलेगी जहां पे जड़ी बूटी वगैरह पाई जाती है, ठीक है। अब इसको तीनों को परचेस करना, यूज किस तरह से करना, तो माजुनाथ घुरमा इसमें से 1 चम्मच और मुगलिस जवाहरी, माजुन मुगलिस जवाहर इसमें से, ये दोनों में से 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट दूध से, अगर आपके पास दूध है तो दूध यूज कीजिए, दूध अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पानी से यूज कर सकते हैं। तो सुबह शाम 1-1 चम्मच इसमें से लेना है और रेगुलर लेना है, इसको भी आपको कम से कम 1-1.5 महीने तक रेगुलर लेना है, ठीक है। तो ये दो चीज आपको परचेस करना है, सुबह शाम रेगुलर यूज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है लोगों के पेट का निजाम गड़बड़ रहता है, तो उसके लिए आपको जो जवारिस कमुनी आप परचेस करोगे, तो इसको खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच, आप दोपहर का खाना खाइए 1 चम्मच खा लीजिए, शाम का जब खाना खाइए सोने के टाइम 1 चम्मच लीजिए, तो इससे जो है आपके अंदर जो गैस की एक्टिविटी है, या आपका पेट साफ नहीं होता, या हमेशा गैस बना रहता है, सीने पे जलन, गले में जलन, या पेट में दर्द, तो ये जो प्रॉब्लम है आपके गैस के रिलेटेड, पेट के रिलेटेड, तो ये इससे खत्म हो जाएगा, यानी ये आपकी जो मेडिसिन है ये आपके पेट के पूरी निजाम को सही कर देगा, पेट को आपको एकदम सही कर देगा, आप जो भी खाएंगे आसानी से पच जाएगा और आसानी से सुबह पैखाना भी खुल के हो जाएगा, तो पेट की जो प्रॉब्लम है इससे समाप्त हो जाएगी, और जो आपके धात का प्रॉब्लम है, मनी मजी धात का प्रॉब्लम है, तो ये दोनों से समाप्त हो जाएगी। तो इसके भी यूज के दौरान आपको गर्म चीजें छोड़ देना है, और जो शादीशुदा लोग हैं तो बेहतर होगा कि इसके दौरान वो संभोग ना करें, और कुछ दिन तक रुके, उसके बाद कुछ दिन से मतलब ये है कि 15-16 दिन रुकने के बाद में वो सेक्स कर सकते हैं सामने वाले से, इसके दरमियान वो बिल्कुल सेक्स ना करें जब तक मेडिसिन सबके चालू है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।